हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइफ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं आई हुई हूँ अपने घर, यानी कि अपने मायके में। कल रात को आई थी बिकॉज लॉन्ग वीकेंड है, वीकेंड ऑफ है, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने अपने घर चले। और क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऑफिस पास में है तो इस वजह से फिर यहाँ पे आके फिर ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा कि चलो अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो अपने घर घूम के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने कज़न्स को भी बुला लिया था और अभी बज रहे हैं 7:30। मैं 6:30 के उठी हुई हूँ क्योंकि ऑफिस जाने का चक्कर मेरा, मेरे को जल्दी उठने की आदत पड़ गई है और जल्दी उठना की आदत पड़ गई। 6:30 बजे से उठी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ तो नींद नहीं आ रही। और वैसे हमेशा क्या होता था कि घर पे भी मैं उठ तो जाती थी लेकिन उठने का मन नहीं करता था। अभी यहाँ पे आँख खुल गई क्योंकि आज कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो बस ऐसे ही आँख खुल गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बाहर ना छोटा सा गार्डन मिला हुआ है हमें, जिस पे मम्मी ने ना काफ़ी अच्छे से पौधे वौधे लगा रखे हैं। इधर पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, रात में तो ढंग से दिखा नहीं, इधर भी कुछ कुछ लगा रखा है। तो काफ़ी अच्छा सा लॉन टाइप है यहाँ पे, सुबह वॉक करने के लिए या फिर बैठने के लिए। शाम को हम लोग काफ़ी देर तक बाहर बैठे हुए थे। अभी थोड़ा सा ऐसे मैसी हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी ना, तो कपड़े नहीं सूख पा रहे थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता है, दिन सारा कड़ी पत्ते का पेड़ लगा हुआ है। और ये वाला भी जो पेड़ देख रहे हो ना, अभी पूरा कड़ी पत्ते का। और यहाँ पे भी कुछ कड़ी पत्ता था जिसको निकाल दे, क्योंकि जैसे मम्मी ने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लगाई ना वैसे मम्मी को यहाँ पे भी लगानी है। तो चलो चलते हैं अंदर और सब लोगों को उठाते हैं कि भैया ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। बेटियां उठ उठ के बैठ गई, इन लोगों को देखो अभी तक सोए पड़े। वैसे हमारे यहाँ ना सबको लेट उठने की आदत है भी, मतलब रात को, मतलब सुबह ना छुट्टी वाले दिन तो आराम से 10 बजे तक उठता है और आज छुट्टी ही है, बट मैं तो इनको बुंदी लगा दूँ बस। तो चलो सबको उठाते हैं। ये तुम लोगों का कोई तरीका है, ये कोई कायदा है कि बेटी घर में आई है, बेटी 6:30 बजे से उठी है, माँ बाप को देखो सोए पड़े हैं और उसको देखो, ये नहीं कि बहन घर पे आई है रात को पहुंच गई पिक्चर देखने के लिए, 2 बजे आया रात को और आके झांक रहा है कि मतलब ये कौन सो रहा है पलंग पे, भूत तो नहीं आ गए। तो ये लोग सो रहे थे यहाँ और मैं और दीदी सो रहे थे यहाँ। ए, ये कोई तरीका है तेरा ससुराल का, इतने बजे बजे तक सोते हैं, मेरे को कब से नींद नहीं आ रही है, उठो उठ के चलो इस वाले कमरे में पंचायत करते हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं इस वाले कमरे में पंचायत करने के लिए, थोड़ी चुगली वुगली करेंगे। तो मैं पहले फोन को लगा देती हूँ चार्ज, क्योंकि मैंने कल से अपना फोन चार्ज नहीं करा, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं अभी। तो गाइस हमारे यहाँ पे आ गए हैं लेमन टी, क्योंकि हमारे घर में सबकी आदत मॉर्निंग में लेमन टी या फिर ऐसे वार्म वाटर पीने की। घर पे तो नहीं पीती मैं, आलस कर जाती हूँ, नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे अब लेमन टी आ गए तो हम लोग लेमन टी एंजॉय करेंगे और मस्त चुगलियाँ हो रही है सबकी। तो अभी हम लोगों ने चाय वाय पी के हम लोग आए हैं बाहर, मतलब लेमन टी पी के हम लोग आ गए हैं बाहर। थोड़ा सा बाहर का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं क्योंकि मतलब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे से मौसम हो रहा है। वैसे तो आज लग रहा है कि सनी डे होगा क्योंकि धूप भी आ गई है, बट ना अभी इतने दिन से थोड़ा ठंडक ठंडक फील हो रहा था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो ना मुझे धूप बड़ी अच्छी लग रही है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, चलो हम कान्हा जी से मिल लेते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल नहा धो के बैठे हैं, भोग उन्होंने लगा लिया है और अब हम करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बनने वाला है ग्रिल सैंडविच। फिर क्या धोते हुए लाऊं, ठीक है चल धो पहले फिर लाऊंगी ना। मैं तो सब बड़ी हूँ, मैं इस क्लिप को डालूंगी क्या धोते हुए लाऊं। गाइस अब मैं इसको जब ये धोएगी ना मैं इसको जरूर दिखाऊंगी कहाँ धोएगी, बता दे अभी धो के आइए कि नहीं। सो चंपा इज बैक, अभी 2-4 महीने के लिए हमने इसको टर्मिनेट कर दिया था, फिर अभी वापस आ गई है और इसका काल बन के मैं आ गई हूँ 2-3 दिन के लिए, टेस्टिंग पे चल रही चंपा यहाँ। सो यहाँ पे हमारी सैंडविच बन के ऑलमोस्ट हो गई है तैयार, बस फटाफट से सिक रही है, चाय भी बन गई है, तो चलते हैं सैंडविच और चाय को एंजॉय करते हैं। तो गाइज अभी बज गए हैं शाम के 5:05 बजे, इन लोगों ने चाय बनाई है, इसने बनाई है चाय, लेकिन ना चाय इसको बनानी आती ना चाय इसको बनानी आती। मेरी सास ये देख लेगी ना चाय ऐसे कप फेंक के मारेगी,
खैर इन लोगों ने फेंक के माने, अभी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टील के कप इन लोगों ने लाए हुए। तो ये लोग समझदार हैं। तो अभी हो गए शाम, मैंने दिन के बाद सीधा क्लिप रिकॉर्ड करी है। मैंने दिन में कहीं जाने का सोचा था, फिर मैं जा नहीं पाई और हम लोग सो गए। तो अभी हम लोग अब जाएंगे, हम लोगों का प्लान है कहीं जाने का, कहाँ जाते हैं अभी देख के बताते हैं। तो अभी वोटिंग के आधार पर हमने ये फाइनल करा है कि हम लोग जा रहे हैं करोल बाग। वैसे तो विंडो शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं, फिर अदरवाइज कुछ अच्छा लगेगा तो लेके भी आ जाएंगे। मम्मी बंद कर लो। यस ओके बाय। सो वी आर हेयर एट द करोल बाग मार्केट, और अब मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। और आज वैसे ना मैं बड़े दिनों बाद करोल बाग आई, मतलब वैसे मैं करोल बाग आती नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं आती थी करोल बाग शॉपिंग करने के लिए, लेकिन एक बार शादी के टाइम पे आई थी, उसके बाद से अभी काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ करोल बाग शॉपिंग करने के लिए। मैंने सोचा चलो ये घर के पास में तो दूर था, करें जाके यहीं पर चलते। तो अभी सबसे पहले तो मैंने लिया बिंदी का कार्ड, क्योंकि मुझे ना मल्टी शेड की बिंदियाँ लेनी थी इस वजह से। और अब हम पहले जाएंगे विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट से दीदी को कुछ सामान लेना है, तो पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोग गाइस देख रहे हैं कि एक चप्पल, और मैंने यहाँ पे ना मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो ये वाली फुटवेयर है ना ये ले ली है, तो भैया अभी पैक करने के लिए लेके गए हैं, करोल बाग से ली है। और ये आ गई हैं मेरी फुटवेयर, सॉरी आ गए हैं बैलेंस मैंने, ठीक है। आज ना मार्केट बड़ी खाली खाली से, रीज़न नहीं पता चल रहा कि क्या, या तो हम जल्दी आ गए हैं या तो फिर पता नहीं क्या बात है, आज बड़ी मार्केट खाली है। सो फाइनली बहुत घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं विशाल। हम लोग ना एक्चुअली गलत कट को उतर गए थे, फिर वहाँ से चलते 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 थक गए। खैर ये है कि घूमना भी हो गया थोड़ा सा, बट चलो चलते हैं विशाल। तो ये है विशाल एंट्रेंस, देखते हैं क्या ऑफर चल रहा है। कुर्ते वगैरह तो हैं वैसे। सो हम लोग पहले जा रहे हैं किड जोन, क्योंकि दीदी को ना बच्चों के ही कपड़े लेने थे, तो पहले किड जोन हो लेते हैं उसके बाद जाएंगे ऊपर। और किड जोन में लगी हुई है सेल, दीदी के तो आगे मजे, सस्ते में काम हो जाएगा उसका। हाँ ये अच्छा लग रहा है, बट इसमें छोटा साइज देख ले, और इससे छोटा हो जो सबसे छोटा हो उसमें तो ढक जाएगी बेचारी। ये वाला भी अच्छा लग रहा है जिसकी रेड पैंट है ना, इसकी निकल ये नहीं अच्छा लग रहा। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, और ये छोटा भी आपकी अपनी अगली शॉपिंग पर। इस ऑफर की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी कस्टमर सर्विस डेस्क या हमारे कैश काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। विशाल मेगा मार्ट से खरीदारी करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Now enjoy shopping from your favorite Vishal Mega Mart store from the comfort of your home. Visiting VishalMegaMart.com. Get amazing deals and free home delivery in 2 hours. Use coupon code WELCOME to get 500 rupees off. 10% discount आपकी अपनी अगली शॉपिंग पर। इस ऑफर की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर सर्विस डेस्क या हमारे कैश काउंटर से संपर्क कर सकते हैं। शाम में हमारे से खरीदारी करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मम्मी बोलती है पौनी नहीं है, पौनी हमारे मेरे ससुराल में उसको पौनी बोलते हैं, मेरे ससुराल में उसको पौनी बोलते हैं, पौनी पौनी। पता पहले मैं आती थी ना तो मेरा सारा टाइम जाता था उसमें, क्या कहते हैं कपड़ों वगैरह के सेक्शन में, और आज देख मैंने सिर्फ गृहणी वाले किचन के सामान लिए, जिंदगी कितनी बदल जाती है। तो फिलहाल दीदी कब आ रही है पीली, और मैं खड़ी हूँ लाइन में। वैसे विशाल मेगा मार्ट में ना, मतलब करोल बाग वाले में तो मोस्टली ऐसा होता है कि जितना टाइम आपको शॉपिंग करने में नहीं लगता ना, उससे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है बिलिंग के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम से सोच रहा हूँ कि क्या करा करूँगी, कि पहले आके ना एक बंदे को बिलिंग में लगा दूंगी, ताकि जब तक आप शॉपिंग कर लें तब तक नंबर आ जाए।
और ये पहना है मैंने कुछ आउटफिट अपना, ये वाला कुर्ता जिसको मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, बट ये मुझे बहुत पसंद है। तो विशाल मेगा मार्ट से तो हमने शॉपिंग कर ली है, क्या क्या लिया है वो घर जाके बताऊंगी। वैसे तो आपने व्लॉग में थोड़ा बहुत देख भी लिया होगा, और मैं अभी इस लड़की के साथ नहीं आऊंगी। जब से आई है ना मेरा खर्चा करवाई जा रही है कल से, मतलब खर्चा क्या करवा रही है वो तो नहीं बोल रही मुझे सामान लेने के लिए, लेकिन मैं पता नहीं क्यों आई हूँ सामान लेने के लिए, बार बार खर्चा हुआ जा रहा है। और अब मैं जा रही हूँ पैंटालूंस, यहाँ से दीदी को बोलूँगी कुछ दिलवाए अगर दिलवाएगी। सो गाइज वी आर बैक होम, और अब मैं पहले आपको जल्दी जल्दी से शॉपिंग दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या करा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सूट से, क्योंकि ना शॉप पे ना अलाउड नहीं था बनाना, तो मैंने बनाई। तो एक ये वाला सूट है कॉटन का सूट, वैसे मैं पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं कॉटन के सूट ही ज़्यादातर लेती हूँ। एक ये वाला सूट है, अभी इसमें से डिसाइड करेंगे दीदी भी शायद ले लें, मतलब ऐसा किसी के नाम से नहीं है, दीदी भी ले सकती है मैं भी ले सकती हूँ, अच्छा लग रहा था ऑफर वगैरह तो ले लिए थे। और दीदी ने ये दो फ्रॉक ली है, किसके लिए ली है ये दीदी की कोई रिलेशन में लगती है उसके लिए ली है। और यहाँ पर कुछ बनियान्स वगैरह थी, ये कुछ ये बनियान्स वगैरह थी ये ली है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना गर्मी का दिन है तो काम आएगा। और ये भी दीदी का ही है, ये वाला सेट भी दीदी का ही है, ये वाला सेट भी दीदी का ही है, दीदी ने ज़्यादा शॉपिंग करी है। ये वाला सेट भी दीदी का है, ये वाले कॉम भी दीदी ने ही लिए थे, मैंने लिए है गृहणियों वाली चीज़ क्योंकि मैं गृहिणी हूँ एक, तो मैंने लिया है ये एक क्योंकि मुझे चाहिए था। और एक मैंने लिया है ये पौनी, इसको मेरी सासू माँ पौनी कहते हैं, हम लोग इसको झन्नी कहते हैं, मेरी सासू माँ इसको पौनी कहती है। हमने एक लिया पौनी, और ये इसके लिए नहीं लिया, लकड़ी के मेरे पास हैं जो नॉनस्टिक में यूज़ करते हैं, मैंने ऐसे ही लिए। और मैंने एक ये लिए है ये वाली बॉटल, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे रायता वगैरह लेके जाने के लिए चाहिए था, तो एक वाली ये मैंने बॉटल ली है। और मैंने क्या लिया था, और मैंने ये लिए हैं कुछ क्लचर्स, इसमें से अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, जो दीदी का मन होगा दीदी ले लेगी, जो मेरा मन होगा मैं ले लूँगी। और ये मैंने लिए हैं फुटवेयर्स, आजकल मैं फुटवेयर्स ना सिर्फ कम्फर्ट देखती हूँ, सॉरी फुटवेयर्स में सिर्फ कंफर्ट देखती हूँ, जो मुझे कंफर्ट लगती है मैं वाली फुटवेयर ले लेती हूँ, चाहे वो 100 रुपये की हो चाहे वो 1000 रुपये की हो। लेकिन मुझे ना अभी फिलहाल, मतलब मैंने अभी रिसेंटली कुछ फुटवेयर्स ली थी दो, लेकिन फिर उनको पहन के भी ना मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने अभी फिर से एक और लिया है कि देखती हूँ कैसा होता है, क्योंकि उन दोनों में भी ना ऑफिस में ना वो हल्की सी स्लिप होती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता, मतलब मेन चीज़ तो ये होती है स्लिप फुटवेयर्स में ऑफिस में, कि एक तो आवाज़ ना हो, तो मेरे ऑफिस में होती कुछ ओवर ज़्यादा शांति है, एक तो आवाज़ ना हो और ऊपर से क्या होता है स्लिप ना हो। और मम्मी पी रही थी ये आइस टी नेस्टी की, लेमन आइस टी, मैं नहीं पी रही, आप ही पी लो। ओके ओके सर, टेस्ट इसका। अब हम लोग खाएंगे मोमो, और भी कुछ लेके आए हम, और कुछ नहीं लेके आए, तो बस हम लोगों ने ये शॉपिंग करी। लेकिन हमने आज ये है बहुत तसल्ली से मार्केट घूमी है, मतलब प्रॉपर आज हमने मार्केट घूमी है, जैसे मैं करोल बाग काफी घूमा है। और मुझे मेन चीज तो पता है, मुझे ना लेना था अपने लिए कुर्ते, और लेना था मुझे ना टॉप, मतलब जो जीन्स के ऊपर जो लॉन्ग टॉप उस टाइप के होते ना वो टॉप लेने थे, बट वो मुझे नहीं मिले। तो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अकांक्षा लाइफ। बाय बाय।